खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से। शहदादपुर में समाजी रहनुमा शफकत कुरैशी राजा कुरैशी की जानब से बरसात के मुतासरीन की मदद के लिए रिलीफ कैंप कायम किए। इस मौका पर समाजी रहनुमाओं ने रिलीफ कैंप के हवाले से आई न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं आपको यहाँ के जो फ्लड का सिंध में फ्लड आया है, शहदादपुर में भी जो है काफ़ी देहात जो हैं वो डूब चुके हैं और मुतासरीन रोडों पे पड़े हैं। और यहाँ की सिंध हकूमत, इनका कहना है कि सिंध हकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, झूठे दावे कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही। यहाँ शहदादपुर में कैंप लगाए गए हैं समाजी हलकों की जानिब से और मुखय्यर हजरात यहाँ पर डोनेट करके उनको राशन पानी दे रहे हैं। मज़ीद हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद बंदों से कि वो हमें क्या बताते हैं। जी, जैसे कि आपको बताते हैं कि ये रिलीफ फंड जो है, ये हकूमत के दावा हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर हैं, लेकिन यहाँ के समाजी हलकों ने यहाँ पर कैंप लगाए हैं फ्लड के हवाले से और मुखय्यर हजरात यहाँ डोनेट कर रहे हैं और उनको खाना पीना वगैरह पहुँचा रहे हैं। इसी अब तक मेडिसन भी जो है यहाँ के जो कैंप के सरबराह हैं वकील साहब, उनसे बात की करते हैं कि वो हमें क्या अपडेट देते हैं। वकील साहब, आप क्या बता सकते हैं कि फ्लड के हवाले से ये कैंप आपने लगाया है, तो मुखय्यर हजरात आपसे रबते में हैं? जी बिल्कुल, कैंप के हवाले से बहुत से लोग हमसे रबते में थे कि अभी कहाँ आपको ये सामान वगैरह पहुँचाएँ, अलग अलग फ़ोन आ रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा कैंप लगा देते यहाँ पर, जिसको भी जो भी देना है वहाँ पर कैंप भी पहुँचा दे। कल परसों से हम तो 3-4 दिन से काम कर रहे हैं और कैंप हमने यहाँ कल से लगाया है और यहाँ पर मुखय्यर हजरात बिल्कुल भरपूर हमसे तावन कर रहे हैं। हम यहाँ पर खाना पहुँचा रहे हैं, अभी भी हम जो है कि सुबह का खाना बरन रोड पे और अपना वराचड़ी जो स्टाफ है आला रोड पे वहाँ भी हम पहुँचा रहे हैं। दवाइयाँ जो है हमने मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर दारुल उलूम जो है। साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितने मुतासरीन को अभी तक आपने खाना पहुँचाया या मेडिसन पहुँचाई, उनका अंग अखर कितना होगा? 400 से 500 तक होकर हमें गिना नहीं है, क्योंकि रोज़ाना 50 से 100 लोगों को हम खाना पहुंचा रहे हैं, जितना हो सक रहा है हम वहाँ पहुंचा रहे हैं, चावल की सूरत में है या बिरयानी की सूरत में और रोटी की सूरत में हम पहुँचा रहे हैं। अभी हमने और भी बंदोबस्त किया है, यानी कि चने वगैरह जो भी है, अगर जहाँ पर खाना देर से पहुँचता है तो वहाँ पर हम खुश्क मेवा जात जो है उसकी भी हमने जो है पैकेट्स बनाए वो भी हम पहुँचा रहे हैं। अच्छा वकील साहब, ये बता सकते हैं कि सिंध हुकूमत बड़ा अरबों खरबों रुपया फ्लड के लिए जारी कर रही है, आप इस बात को किस नज़रिए से देख रहे हैं? असल में हुकूमत जिस हवाले से जितना जो फंड आया है, जितने अंग खर हम देख रहे हैं कि इतना फंड आ चुका है, उस हिसाब से पहुंच नहीं रहा। हमारी हुकूमत से भी रबता हुआ, उन्होंने कहा भी हमारे पास फंड है नहीं, हम कहाँ से दें? अभी उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका कुछ पता नहीं है। अब जाहिर सी बात है, ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की बनती है ना। ये जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है, जब भी फ्लड आता है फ्लड के बारे में बताते हैं कि बरसात इतनी आ रही है। भाई बरसात आ रही है तो उसके आपने आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। वफाकी वजीर और चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी ने सलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपने वीडियो बयान में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में होने वाली तबाहकुन बारिशों और सैलाब के नतीजे में मुतासरा घरानों को 25,000 फी फैमिली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए देने का ऐलान किया है। बलूचिस्तान में ये अमल गुज़िश्ता पीर से शुरू हुआ है, बलूचिस्तान के 25 अजला में ये अमल जारी है और कल पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जिसमें सूबा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब बिलखसूस वसेब का जो इलाका है वहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ये रकम तकसीम की जा रही है। इस तकसीम के अमल के अंदर शिकायात भी होंगी और हमें खदशा है कि जो लोग वहाँ जाएंगे उनको इश्यूज़ होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर रही है। और आपसे हमें ये दरख्वास्त करनी है कि अगर आपको कोई मसला है, आपको कोई शिकायत है, तो आप स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहे हैं जिसमें सूबे के अतबार से अलग अलग नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज कीजिए,
हमें बताइए कि आपको क्या शिकायत है, आपको क्या तकलीफ है। अगर पैसे की कटौती हो रही है, अगर आपसे फ्रॉड किया जा रहा है, तो भी हमें बताइए और हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। जब आप ये मैसेज करेंगे तो प्लीज़ आप अपना जो तहसील का नाम है और जहाँ पे आपका कैंप लगा है उस जगह का नाम, उसकी जो आपका पता है, एड्रेस है उस कैंप साइट का, वो ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके अलावा ये भी बताना ज़रूरी है कि HBL कनेक्ट जिसके जिसकी मदद से हम ये रकम आप तक पहुँचा रहे हैं, तो HBL कनेक्ट के जो एजेंट्स हैं वो तो इन कैंप साइट्स पे मौजूद हैं मशीनें लेकर, लेकिन इसके अलावा HBL की जो ATM मशीन्स हैं वहाँ पर भी बायोमेट्रिक है। तो जहाँ HBL की ATMs जिसमें बायोमेट्रिक है वहाँ पर भी मुतासरा लोग जा सकते हैं, बायोमेट्रिक के ज़रिए आप रकम मौसूल कर सकते हैं। अगर आपका नाम मुतासर की लिस्ट में नहीं है और आप मुतासर हैं, अभी तक आपको वो रकम नहीं मिली है, तो प्लीज़ आप 8171 पर अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। लेकिन शिकायात के लिए जो नंबर आपको अलग से दिए गए हैं उन नंबर्स पर जो एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनसे इन पर रुजू कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि फौरन आपकी मदद की जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपकी मदद के लिए मैदान में है। हम आपकी मदद से इस कार खैर को पाया तकमील तक पहुंचाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आइए मिलकर तमाम पाकिस्तानियों को इस आजमाइश में उनका साथ दें, उनकी मदद करें और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह हमें जल्द अज जल्द इस आजमाइश से बाहर निकालें। आमीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शहदादपुर की, जहां जटिया टाउन कमेटी के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की मैडम की कोशिश से स्कूल में खड़ा हुआ बरसाती पानी की निकासी हो गई। स्कूल में बैठे हुए बरसात मुतासरीन की जानब से स्कूल की मैडम रुखसाना कयूम की तारीफ करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। तकरीबन 40 लोग हैं। 40 हुकूमत के हुक्मरान जो है इतनी दावा कर रहे हैं कि हम ये दे रहे राशन पहुँचा रहे हैं, आपके यहाँ पे राशन कुछ भी नहीं है सर, ये खुद खा रहे हैं, हमारे कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। मैडम साहब की मेहरबानी है जो हमसे उन्होंने हमदर्दी करी है, उन्होंने पूरा हमारा साथ दिया है। हम रात के टाइम पर आए थे तो उन्होंने ये जो ताज़ा इंतखाबात हुए हैं बल्दियाती, इसके हवाले से कोई जो मुंतखब हुए वो आपकी तरफ आए? कोई भी नहीं आया सर, अभी तक नहीं आए। MPA कुछ भी नहीं आए, जिनको पता भी वो भी नहीं आए। उनको पता है ये आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हम हुकूमत से यही अपील करते हैं अल्लाह करे वो भी खुश हों, मगर हमारा गरीब अगर वो भी खुश हों। आप तो तकलीफ में बैठे हैं, तकलीफ में करें ना कोई बेटा, क्या अपील करें? कोई आता है तो उस उन्हों को बोले ना तो हमारे साथ ये हमारे साथ मसला है। आए हैं ना मीडिया वाले, आप मीडिया के थ्रू बोले ना कि हमारी मदद की जाए, हमारे साथ मदद की जाए, तो कोई आवे या बड़ा कोई आवे या उनको बोलें। फ्लड की वजह से मुतासर आपके यहाँ बैठे हैं और सुना था यहाँ पर पानी की बहुत आ गया था, मुतासर को बड़ी दिक्कत है, उसके लिए आपने क्या किया? जी जब मुझे पता चला कि मेरे स्कूल जो है और इर्द-गिर्द का सारा इलाका पानी से बिल्कुल डूब चुका है, तो मैंने अपनी मदद आपके तहत स्कूल में आई हूँ। बहुत ज़्यादा पानी था, घुटनों घुटनों पानी था, उसमें मैं, मेरे पियंस, मेरा क्लर्क, हम लोगों ने सब ने मिल के अपनी मदद आपके तहत कुछ टिन, कुछ जो है वो डस्टबिनों के साथ मिलकर हमने पानी निकाला। उसके बाद जो है फिर बल्दिया वालों से कॉन्टेक्ट किया, रात को तकरीबन 9 बजे उन्होंने हमें मोटर दी, जिसकी वजह से जो है ग्राउंड क्लियर हुआ, वाशरूम साइड बिल्कुल भरे हुए थे इतना कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, उसके बाद ये सारा क्लियर हुआ। यहाँ से असांके मंडम साहब के असांके जो मदद सुठी कई अस भी अस केर को ना आयो न को कल आई है हेडे पानी में भी इतने आई पानी ते कल तसो आ नो बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब मुतासरीन के हवाले से क्या कहना है, आइए देखते हैं।
हमारे जो अपोजिशन है उनका मर्जी है, उन्होंने अगर जलसा जलसा खेलना है वो जलसा जलसा खेलते रहें, वो अपने इलेक्शंस के मुतालबात करते रहें। इस वक्त हमारा जो प्रायोरिटी है वो इस मानसून के इस सैलाब के मुतासरीन के दुख दर्द में शामिल होने हैं। हमने उनको जो भी रिलीफ हमसे हो सकता है अपने हुकूमतों की तरफ से, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, साथी, जहाँ से हम मदद कर सकते हैं उनको पहुँचाने, वो हमारा प्रायोरिटी है। मैं खुद तो वज़ीर ख़ारजा हूँ, मगर इतना शदीद बारिशें और इतना नुकसान हुआ है इस सैलाब की वजह से कि मेरा एक दौरा था यूरोपियन कंट्रीज़ का, मैंने वो तो पोस्टपोन कर लिया है ताकि इस मुश्किल घड़ी में हम अपने अवाम के साथ हो सकते हैं, इनको मदद कर सकते हैं। बाद में सियासत चलता रहेगा, हम देखते हैं उसके हम मुकाबला इंशाल्लाह ताला करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा प्रायोरिटी ये है कि हमने इन सैलाब मुतासरीन को, मानसून के मुतासरीन के साथ देना है। हमारे जो मुखालिफ है, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, वो कभी इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेता। 2020 में इसी सूबह में आवाम मुतासर हुए थे, आज का अपोजिशन उस वक्त हुकूमती जमात था, वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी उन्होंने हमारे सैलाब के मुतासरीन के साथ नहीं दिए। आज वो अपोजिशन में हैं, उनके अपने सूबा में सैलाब हो रहे हैं, मगर वो जलसे जलसे खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां गुज़श्ता सब शाहिद अकबर सुल्तानी को खिलाफत मिलने पर दस्तार बंदी और मिलाद जिक्र अहले बैत की महफिल का इनकार किया गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं शकील सुल्तानी की इस रिपोर्ट में। रहबरे कलंदर सुल्तान आरफीन फरजंदे कामल हजरत फकीर हारून अहमद सरवरी कादरी शहजादा नशीं नूरी दरबार डेरा इस्माइल खान की जानिब से शाहिद अकबर सुल्तानी को खिलाफत देने और उनकी दस्तारबंदी के हवाले से मिलाद अहले बैत की महफिल का इनकाद किया गया। महफल के आगाज में तलावत कुरान पाक हाफज गुलाम मुस्तफ़ा ने की। महफल में नकाबत के फ़राइज कैसर भाई ने अदा किए। नबील कादरी, अजमल नक्शबंदी और हाफज सफदर कादरी ने नात ख्वानी करके समा बांध दिया। महफल में हाजी नूर, मलक इजाज, मलक असगर, तलत भट्ट, हाजी शाहिद इकबाल, फैसल अजीम, राजा शहजाद और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। ताहिर अकबर, जाहिद अकबर, राना बिलाल, जमील गुगा ने इंतजामिया के फराइज सर अंजाम दिए। महफल के हितम पर मुल्को कौम और अहले इस्लाम के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन हबीब मुगल के साथ शकील सुल्तानी, आई न्यूज, HDTV, लाहौर। सियालकोट सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब कोऑपरेटिव यूनियन हसन वसीम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतासरीन सैलाब जदगान की मदद पर जोर दिया। चार भाइयों का बेबसी के आलम में डूबना कौम के लिए लम्हा क्रिया है। अचानक आफत आना तो दरकनार, मगर आफत ने चारों भाइयों को लपेट में लेने से कबल बहुत सा टाइम दिया और जब हुकूमत को बेबस पाया फिर चारों को मौत ने अपने आगोश में सुलाया। सुनते हैं हसन वसीम की जुबानी। आप सब ने देखा होगा टीवी चैनल पे भी, वैसे भी आप लोगों के जिले में जो पाकिस्तान में जो सैलाब आ गया बारिश की वजह से, जो हमारा पूरा का पूरा मुल्क डूबा हुआ है, पंजाब सूबा के सिंध बलोचिस्तान KP के सब डूबा हुआ है। जो हालात पैदा हो गए हैं, जो लोग ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। इस अजाब के जो वहाँ पर आया है और इस मुश्किल की घड़ी पर मैं अपनी तमाम कौम से अपील करता हूँ कि बाहर निकलें और अपने जो भी आप लोग जितने भी कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं चीज़ें, चाहे वो राशन है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे कोई है, मैं निकल के अपने खुदा के लिए उन बहन भाई को सोचें जो इस अजाब में फंसे हुए हैं, उनका साथ दें, उनको पूरी सपोर्ट करें। यही वक्त होता है हमें कौम दिखाने का, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि यही मौका है कि हम दिखाएँ कि हमें कौम है। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, हम जो हालात हमारे मुल्क में चल रहे हैं जिसमें कि हमारी कौम और हमारे लोग कह रहे हैं उसमें नजर हमें कौम है। अब आप देखें कि अब जैसी हेमों की डिमांड ज़्यादा हुई है तो हमारे यहाँ पर लोगों ने उसका रेट बढ़ा दिया,
पता पता 20,000 मुंह मांगे दामों से उसकी कीमत मांग रहे हैं, तो कैसी कौम है हम कि जब मुश्किल में हमारी हमारे बैर में हमारी सूरत है तो बजाय इसके हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, सदका जारी कर रहे हैं, उल्टा हमसे लूटना शुरू कर दिया हमने कि अच्छा भाई तुम्हें अब मुसीबत में हो तो ठीक इतने पैसे दो, तो ये तो कितना इसी वजह से हमारे हम पे अजाब आता है, चीज़ें जो हमारे पे चीज़ें आ रही हैं इसी वजह से आ रही हैं कि हमने अपने आप को जो है ना अपने दीन इस्लाम को भूल गए हैं और अंदर से गैरत हमारी खत्म हो गई है, इंसानी अंदर कोई चीज़ नहीं हम पे रही कि हम कैसे लोग आ गए हैं। हमें खुदा के लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, उदारा उदारा ऐसे मत करें, ये अजाब कल को आप पे भी आ सकता है खुदा नास्ता, लेकिन इसको 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 देख के दुखे उस पर असर ना करें, कोशिश करें कि जो भी बंदा ज़रूरतमंद है उसको प्रॉपर उसके साथ ताउन करें, उसको बेशक मुफ्त में दे नहीं तो थोड़ा डिस्काउंट कर दे, जिससे वो बेचारा जो हमारी जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं या जो लोग हेल्प करना चाह रहे हैं उनको वो उनको भी नुकसान ना हो या उनको परेशानी ना हो कंट्रीब्यूट करते हुए। देखिए हमारी इस गरीब के मौके पर हम चाहिए कि तमाम हुकूमत को सूबाई हुकूमत फेडरल हुकूमत सबको चाहिए कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जहाँ जहाँ ज़रूरत है पूरे रेस्क्यू करें लोगों को। अब एक अफसोस की बात है उसे 5 भाई डूब गए हैं, उनको बचाने नहीं गया, कितने दुख वाली बात है, वो 4-5 घंटे बचाए वहाँ फंसे रस्सियाँ बांध के उन्होंने अपने को वहाँ रखा है लेकिन उनको कोई बचाने नहीं गया, वो डूब गए हैं, जानों का ज़िया हो रहा है। तो मैं अपनी तमाम कौम से भी अपील करता हूँ कि भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने बाहर निकलें, डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें, जहाँ जहाँ 10-10 रुपये डोनेट करें, वो PM फंड शुरू हो गया, एक मैसेज करें 10 रुपये आपका हो जाएगा, तो जो बंदा जितना भी कर सकता है 10, 20, 100, 50,000, 2,000, 5,000 कपड़े दे सकता है, कोई राशन दे सकता है, लेकिन लास्ट में दें, हमारे भाई बहन में इस तरफ जरूरत है।